हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीड्स लाइफ टाइम। दोस्तों, अगर आप मुंबई या नासिक में रहते हैं और अगर आप एक शॉर्ट और स्वीट वीकेंड अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप इगतपुरी हिल स्टेशन ज़रूर आइए। या अगर जहां आप शहर की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर शांति से कुछ पल बिता सकते हैं तो इगतपुरी आपके लिए सर्वोत्तम स्थान है। मुंबई से इगतपुरी बाय रोड लगभग 3 घंटे का सफ़र है और नासिक से महज 1 घंटे की दूरी पे है। इगतपुरी आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। इगतपुरी के आसपास काफी सारे होटल्स और होमस्टे हैं, बट सबसे बेस्ट है वो है अरण्य इगतपुरी हॉलिडे होम्स, जो बिल्कुल भवाली डैम के पास है। यहां से भवाली डैम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम आपको इगतपुरी के आसपास के इलाके की सैर कराएंगे, तो आइए चलते हैं इस अद्भुत सफर पे। व्हाट्स अप फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ इगतपुरी के पास भवाली डैम। बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत जगह है ये। काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, काफ़ी सारी सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ से। तो आज मैं दिखाऊंगा हम आज क्या फन करने वाले हैं। मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है यहीं आंबेवाड़ी गांव में, उसका नाम अमित है। सभी नया नया शुरू किया है, कुछ होम स्टे है, तो हम वहां भी जाएंगे और धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे। आपको कुछ सिनेमैटिक वीडियोस दिखाऊंगा मैं, इस वीडियो में अपलोड करूँगा, तो एंजॉय कीजिए और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये छोटा सा एक पानी का नाला है वो हम लोग क्रॉस करेंगे। ये देखो, ये रोहन जा रहा है आगे हाथ में खाना लिए। हमको अब ये क्रॉस करना है। अब हम बेसिकली लंच करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो में। इतनी खूबसूरत जगह है। इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें, हमारे व्यूवर्स को। ये इगतपुरी भवाली डैम के करीब है और हम अभी जहाँ आए हैं तो इस तरफ पुलंगढ़ है, इस तरफ, और ये मदनगढ़ है, इधर आलमगढ़ है, और इस तरफ में कलसुबाईपुर है जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, तो हमें ये लोकेशन जो है वो सीक्रेट है, इसको मैनेज होना है, अभी तक पब्लिक नहीं है, तो लेट्स सी आगे कितने लोग यहाँ आए। सुपर, तो अभी हमें इस जगह पे लेके आए अभी। बहुत ही सुपर प्लेस है। काफ़ी अच्छा मौसम है, कोहरा है, ठंड हवा है, पानी है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। तो बॉम्बे से कुछ घंटों की दूरी पर यह जगह है, बहुत ही शानदार। आप ज़रूर यहाँ पर आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ज़रा। अभी हम लोग हैं आंबेवाड़ी गांव में, जो इगतपुरी के पास है। अभी हम लोग जंगल में ट्रैक करने जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नदियां हैं, खूबसूरत का नज़ारा है। यहां पे आप पीछे देख सकते हैं, शानदार पहाड़, कुछ वाटरफॉल्स हैं। तो अभी चलो हमारे साथ और धमाल करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या होता है। आइए,
अब हम आए हैं अरण्य इगतपुरी हॉलीडे होम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे घनिष्ठ मित्र अमित गराले
इन्होंने बड़ी मेहनत से ये बनाया हुआ है। अगर आप इगतपुरी आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, काफ़ी शानदार जगह है ये, प्रकृति की गोद में ही है। और यहाँ से भवाली डैम बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, अरण्य इगतपुरी हॉलीडे होम्स एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। एक दिन के स्टे के बाद अब हम मुंबई में फिर से लौट रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।